राहुल का? सर वो तो बाहर गए, उन्होंने कुछ बताया नहीं वो कब आएंगे। वैसे मानवी जी उन्हें ढूंढने गई हैं। कहीं राहुल गुरुदेव से मिलने तो नहीं गया? ठीक है तुम जाओ। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आज श्राप मुक्त कर सकता हूं। राहुल से खुद बात करनी चाहिए थी, पता नहीं सुनील ने बात की भी नहीं। ये सुनता का है, हर वक्त तो मानवी करता है। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। पता नहीं क्यों आज पहली बार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा, कहीं राहुल को कुछ होना चाहे। राहुल, राहुल नहीं, नहीं, मैं यहां खड़ी होकर राहुल को मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे राहुल के लिए कुछ करना होगा। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं माता रानी, प्लीज मेरी मदद करो। माँ, अंबिका ने तो कहा था कि राहुल की इस लड़ाई में मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। माँ, मैं उसकी जान बचा सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? आप बताइए मैं क्या करूँ। मैं यहाँ बैठ के आपकी प्रार्थना करूँ, या फिर वहां जाके दोनों के बीच में उस दुश्मन से लड़ाई करूँ? आप बताइए मैं क्या करूँ। जय माँ शक्ति। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? पंडित जी, मेरे पति की जान खतरे में है। वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। वो उन पे हमला कर रहा है पंडित जी। हमला? कैसा हमला, क्या हुआ? पुलिस को फोन लगाओ बेटी। नहीं पंडित जी, ये वो दुश्मन नहीं है जिनसे पुलिस बचा सके। ये तो बुरी शक्तियां हैं। बुरी शक्तियां? आज रात तो बुरी शक्तियां चरम पर है और मुझे भी आभास होने लगा है। पंडित जी, मुझे किसी ने कहा था कि जब ऐसा वक्त आएगा जब ये बुरी शक्ति अपनी चरम सीमा पे होंगी, तब मैं अपने पति का साथ दूंगी। लेकिन मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे बचाऊं अपने पति को। बेटी, तुम सुहागन हो और तुम्हें तो आशीर्वाद मिला हुआ है अपने सुहाग की रक्षा करने का। मेरा तो मंगलसूत्र का धागा भी टूट चुका है। रिश्तों की मजबूती धागों से नहीं तोड़ा करते बेटी, तुम्हारे मन का विश्वास ही उस बंधन को अटूट बनाता है। शक्ति की बात करती हो, माता शक्ति के मंदिर में आई हो तो उन्होंने ही जरूर तुम्हें अपनी शक्ति देने के लिए यहाँ बुलाया होगा। ये लो बेटी, ये देवी माँ का शस्त्र है और ये तुम्हें उन बुरी शक्तियों से लड़ने में शक्ति प्रदान करेगा और जीत तुम्हारी होगी। जय माँ शक्ति।